नमस्कार, आप देख रहे हैं बी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी। आइए रुक करते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। यूक्रेन युद्ध पर किस ओर खड़ा है भारत, पीएम मोदी की यात्रा के मायने समझिए। प्रधानमंत्री पोलैंड से 10 घंटे की ट्रेन से यात्रा करके कीव पहुंचे। एक महीने पहले ही वे मॉस्को की यात्रा पर गए थे, जहां रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से उनकी मुलाकात हुई थी। कीव में मोदी ने यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की के साथ बैठक की। इसमें भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि युद्ध खत्म करने के लिए जेलेंस्की को सीधे रूस से बातचीत करनी चाहिए। इस दौरान जेलेंस्की ने कहा कि इस युद्ध को रुकवाने में भारत अहम भूमिका निभा सकता है। संयमित रुख, हालांकि जेलेंस्की ने 8 जुलाई को मोदी की मॉस्को यात्रा की आलोचना की थी। तब मोदी और पुतिन की एक दूसरे को गले लगाते हुए फोटो आई थी, जबकि उससे कुछ ही घंटे पहले रूस के एक मिसाइल अटैक से कीव में बच्चों के अस्पताल को नुकसान पहुंचा था और उसमें दर्जनों लोगों के मारे जाने की खबर आई थी। हालांकि मोदी की यूक्रेन यात्रा के दौरान दोनों पक्षों ने संयमित रवैया अपनाया। शांति का सूरज, मोदी ने खुद को वहाँ एक ऐसे निष्पक्ष शांति दूत के रूप में पेश किया जो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में प्रभाव रखते हैं। उन्होंने जेलेंस्की से कहा कि वे पुतिन के साथ बातचीत करें। मोदी ने यह भी कहा कि उन्होंने पुतिन से भी यही अपील की है। भारतीय प्रधानमंत्री ने कहा कि मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि भारत शांति स्थापित करने के लिए किसी भी प्रयास में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए तैयार है। मोदी ने कहा कि मैं चाहता हूँ कि हम सब जल्द से जल्द शांति का सूरज उदय होते हुए देखें। रूस भारत का 50 वर्षों से भरोसेमंद सहयोगी रहा है। कश्मीर सहित कई विवादित मुद्दों पर उसने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत का समर्थन किया है। आज भी भारत सालाना करीब 45% डिफेंस हार्डवेयर का आयात रूस से करता है और उसी की तकनीक की मदद से हमारे कोई 85% हथियार बने हुए हैं। इसलिए हाथ से भी रूस भारत का महत्वपूर्ण सहयोगी है। साथ ही उन्होंने राष्ट्रपति पुतिन को यह भी याद दिलाया कि चाहे युद्ध हो, कोई संघर्ष या आतंकवादी हमला हो, कोई भी व्यक्ति जो मानवता में यकीन रखता है उसे लोगों की जान जाने का दुख होता है। मोदी ने यह भी कहा कि उसमें भी अगर निर्दोष बच्चों की जान जाती है तो दिल से खून रिसता है और बहुत ही दर्द होता है। युद्ध का दौर नहीं, भारत ने रूस की बलपूर्वक अंतर्राष्ट्रीय सीमा को बदलने की कोशिशों का विरोध किया है, चाहे वह क्राइमिया का मामला हो या यूक्रेन के साथ मौजूदा युद्ध का। इस युद्ध के दौरान भी रूस ने यूक्रेन के करीब 18% इलाकों पर कब्जा किया हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करने के लिए मोदी डिप्लोमेसी की वकालत करते रहे हैं। 2022 में संघाई को ऑपरेशन समिट में भी उन्होंने पुतिन से कहा था, यह युद्ध का दौर नहीं है। मोदी के इस बयान की उसके बाद से अक्सर चर्चा होती रही है। भारत का नज़रिया, खैर, प्रधानमंत्री की पोलैंड और यूक्रेन यात्रा के दौरान ऐसी कई अहम बातों पर ध्यान गया है जिससे इस युद्ध में भारत के नज़रिए को समझा जा सकता है। इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भारत शांति चाहता है। वह इसके लिए जेलेंस्की और पुतिन की वार्ता की खातिर हर संभव मदद करने को तैयार है। ग्लोबल साउथ का भारत लीडर है। इस बात को राष्ट्रपति जेलेंस्की ने भी मोदी की इस यात्रा के दौरान माना। दरअसल पिछले कुछ वर्षों में भारत की स्वतंत्र विदेश नीति की काफ़ी सराहना हुई है। इस यात्रा के दौरान भी भारत ने किसी देश का पक्ष नहीं लिया और ऐसी उनसे उम्मीद भी की जा रही थी। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात ऐसी एक और बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए बी भारत। ऐसे लेटेस्ट अपडेट्स के लिए हमारे चैनल बी भारत को सब्सक्राइब करें और तुरंत नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। यदि आप हमें फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो जरूर करें। धन्यवाद।